नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और आज निकले हैं हम जनता की राय जानने के लिए। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दे दिया और जिसके बाद वे विवादों में आ गए हैं, कुछ जगह पर लोग उनका विरोध कर रहे हैं। खास तौर पर ये कह लीजिए कि जो विपक्षी पार्टी है उन्हें मौका मिल गया है अरविंद केजरीवाल जी को घेरने का। मुद्दा क्या था वो आपको बता देते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल जी ने एक बयान दे दिया बिहार के लोगों को लेकर। उन्होंने अपने चिकित्सा व्यवस्था जो यहाँ अस्पतालों में व्यवस्था की गई है उसको लेकर एक बयान दिया और उसमें कहा कि हमने इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि बाहरी लोग भी अब यहाँ आकर इलाज करवाते हैं। और इसमें उन्होंने कहा कि जो बिहार के लोग हैं वो 500 रुपये का टिकट कटाते हैं और टिकट कटा कर यहाँ आकर 5 लाख रुपये का इलाज करते हैं। तो इसके लिए हम पहुँचे हैं उन समुदाय के लोगों के बीच जो खास तौर पर यूपी और बिहार से बिलोंग करते हैं। तो आम जनता की राय सीधे आपको दिखाएंगे, क्या कुछ प्रतिक्रिया आम लोगों की इस पर है। हम सीधे जुड़ते हैं, काफी युवा हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर के। जयपुर के ऐसे कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूपी से। अच्छा, एक बयान आया है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का जिसके बाद वो ट्रॉल हो गए हैं सोशल मीडिया पर। बयान ये है कि बिहार के लोग 500 रुपए का टिकट कटाते हैं, ट्रेन में चढ़ते हैं और दिल्ली में आके 5 लाख का इलाज करवा लेते हैं, क्या ये सही है? ये उनका कहना कुछ और था बट लोगों ने उसका और कुछ लोगों ने उसका गलत मतलब ले लिया, तो इसके चलते उन पे कुछ सवाल उठ रहे हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं और हम बात करेंगे। आप यहाँ के सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी हैं, सबसे पहले आपकी राय जानेंगे हम कि जिस तरह ये बयान है मुख्यमंत्री जी का कि 500 रुपए का टिकट कटाते हैं और यहाँ 5 लाख का इलाज करवाते हैं, उचित है? देखिए जी, सबसे बड़ी बात, ये देश की राजधानी है दिल्ली। दिल्ली देश की राजधानी है और देखो जी, हम तो इतने बड़े हो गए, हमने मेडिकल में भी देखा है, बाहर भी बहुत बाहर के लोग आते थे जो हमारे रिश्तेदार हैं, यूपी में, हरियाणा में, राजस्थान में बहुत पहले से आते थे इलाज कराने। और देखिए जी, ये तो देश की राजधानी, अच्छा किसी का इलाज हो जाए तो बढ़िया बात है। मैं तो एक चीज़ कहूँगा कि सिर्फ हम तो ये जानते हैं कि हम जितना भी हमारा हिंदुस्तान है, हमारी भारत माता की धरती है, सब एक है जी, और हम जो है इस देश के सपूत हैं और सब बढ़िया है। लेकिन ये है कि इलाज तो भैया सभी कराने आएंगे, आपके पास फिर आएंगे हम। आपसे जानना चाहते हैं आप कहाँ के रहने वाले हैं और ये जो पूरा मामला है जिस तरह केजरीवाल जी ने एक बयान दे दिया और उसके बाद विपक्ष के जो लोग हैं उन्होंने उनको ट्रॉल करना शुरू कर दिया है। बयान ये था कि 500 रुपए का टिकट कटाते हैं बिहार के लोग और दिल्ली में आके 5 लाख रुपए का इलाज कराते हैं और फिर चले जाते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली की कैपेसिटी कम है, इतनी कैपेसिटी नहीं है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। माननीय केजरीवाल को ये सोचना चाहिए, जब वो अपने इलाज के लिए वो बेंगलोर जा सकते हैं, बेंगलोर देश की राजधानी नहीं, ये देश की राजधानी है और इसमें केजरीवाल का जितना अधिकार है उतना पूर्वांचल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सभी लोगों का अधिकार है और सब लोगों का अधिकार के तहत आते हैं। केजरीवाल अपने घर से पैसे नहीं देते हैं, जिसको वो कहते हैं कि घर, अगर केजरीवाल अपने घर से देते इलाज मत करें, ये तो सरकार का पैसा है। आप क्या कहेंगे? मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ। हमारे यूपी के अंदर तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, जब से बीजेपी सरकार आई है तब से अच्छा ही अच्छा हो रहा है, उसमें कोई दोहराने की बात नहीं है। दिल्ली में आके 2 पैसे पैदा कर रहे हैं हम लोग और अच्छा कर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं। सवाल है केजरीवाल जी का, केजरीवाल जी का ये बयान आप उचित मानते हैं? नहीं, ये उचित नहीं है, जो अभी भाई साहब बोल रहे थे ये उचित बयान नहीं है, मतलब बिल्कुल उचित। आप कहाँ रहते हैं? आगरा। कहाँ के रहने वाले हैं? आगरा के रहने वाले हैं। अच्छा, आप भी बताइए, एक बयान आया केजरीवाल जी का कि बिहार के लोग 500 रुपए का टिकट कटाते हैं, दिल्ली आते हैं 5 लाख का इलाज करवाते हैं, उचित है? उचित तो नहीं है, ये उन्होंने जो बोला है ये गलत बोला है कि किसी के लिए जो भाई आएगा गरीब आदमी 500 रुपये लेके आए, जहाँ उसे बचने की उम्मीद है वो वहीं पहुँचेगा, नहीं समझे? बिहार और उड़ीसा से कोई मतलब नहीं, और उड़ीसा से मतलब नहीं है। आप बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? हम जी अलीगढ़ के रहने वाले हैं। अलीगढ़ के रहने वाले हैं, तो ये जो बयान है केजरीवाल जी का जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, उचित है अनुचित है? अनुचित है जी, बिल्कुल गलत है जी। आप कहाँ से हैं? यूपी से हैं जी। केजरीवाल जी के बयान, इस बयान से क्या समझते हैं आप? वो गलत बयान दिया उन्होंने, गलत बयान दिया जी। आप बताएं। ये ऐसा है जैसे भाई साहब ने अभी कहा कि सबका अधिकार है,
हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं और सबको एक जैसा अधिकार है और हम कहीं भी जाके इलाज करा सकते हैं और ये तो देश की एकता को उभारने के लिए हमारा बिल्कुल दिल्ली राजधानी है और ये देखिए दुकान इन्होंने खोली हुई है और यहाँ पर अच्छा खासा भीड़ जो है वो देखने को मिल रहा है। सबसे पहले इनसे भी जानेंगे, सर आप कहाँ से रहने वाले हैं? बिहार में कौन? छपरा से हैं। एक सवाल है आपसे कि वोट आपने दिया था पिछले? हाँ। कौन सी पार्टी? मैं यहाँ वो सांसद वाला कि ये विधानसभा में केजरीवाल को। अच्छा, एक केजरीवाल जी का बयान आया है कि बिहार के लोग 500 रुपए का टिकट कटाते हैं और अपने रिश्तेदार को लेकर दिल्ली आते हैं, उनका इलाज करवाते हैं यहाँ 5 लाख तक का। तो उन्होंने कहा हमने चिकित्सा व्यवस्था को इतनी अच्छी की है, अस्पताल इतने अच्छे कर दिए कि लोग वहाँ से आते हैं, उचित है या अनुचित? अनुचित है। किस तरह? दिल्ली देश की राजधानी है, सबका अधिकार है, केजरीवाल जी का अकेले तो है नहीं। ये तो है नहीं कि जो आज साउथ से आएंगे उनका दिल्ली नहीं है या अरुणाचल से आएंगे उनका दिल्ली नहीं है। दिल्ली तो सबका है, राजधानी है तो सबका है। अच्छा, शीला दीक्षित ने भी एक बयान ऐसा ही दिया था, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री और अब नहीं रही है वो इस दुनिया में, तो उनके राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं क्या? अब ये तो वही बताएंगे, नेता वो है। चिकित्सा क्या ही हो गया जब दिल्ली की पॉपुलेशन जिस समय 20 लाख थी, आज से 20 साल पहले तो मेडिकल सफदरजंग जो भी था वही था, कौन सा नया हॉस्पिटल बन गया? हमारे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में तो एक हॉस्पिटल नहीं है। बिल्कुल, और बदरपुर में है। बदरपुर में आपको हम बता दें कि यहाँ 60% बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं, और लोगों से भी हम बात करेंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सौरभ है। यहाँ के पीछे कहाँ से रहने? एटा के रहने वाले हैं। अच्छा, एक बयान आया केजरीवाल जी का कि बाहरी लोग आते हैं और वे इलाज करवा के यहाँ से जाते हैं, हमने चिकित्सा व्यवस्था इतनी अच्छी की, दिल्ली देश की राजधानी है, क्या मुख्यमंत्री का ये जो बयान है वो शोभा देता है? नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप? अब क्या कहना चाहेंगे, यही कहना चाहेंगे ये तो गलत बात है। चलिए एक बार और हम सरजीत चौकन जी से जानेंगे। चौकन साहब, लगातार आप रहते हैं और पहले आम आदमी पार्टी में भी आप थे, लेकिन केजरीवाल जी के इस बयान का अब तक जो हम बात कर रहे हैं, जिस तरह विपक्ष भी आरोप लगा रहे हैं, कहना कुछ चाहते थे कह दिया कुछ, तो लेकिन मुझे लगता है कि जो शीला दीक्षित ने गलती की थी एक समय में, उसी गलती को दोहराने। देखिए जी, बड़े नेताओं की बात है, इतना तो मैं क्या बता सकता हूँ, भाई बड़े नेता है वो तो वही जाने, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि हमारी जो एकता है, चाहे कहीं भी किसी स्टेट का यहाँ रहता है, भाई साहब दिल्ली में से तो कोई ज़मीन से पैदा हुआ नहीं जी, दिल्ली में ना हम हुए, भाई कोई 150 साल पहले आके बस के, हम 150-200 साल पहले आ गए, दिल्ली का प्रॉपर कोई भी नहीं है यहाँ पर, ये तो सब अपने राजनीति करते हैं जी, राजनीति करने के लिए। आप युवा हैं, आप क्या कहेंगे? बयान आपने सुना होगा केजरीवाल जी का, एक सोशल मीडिया पर आजकल वीडियो बड़ा वायरल है उनका, जिसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 500 रुपए में बिहार के लोग टिकट कटा रहे हैं और यहाँ करवा के जाते हैं फ्री में। क्या कहेंगे? नहीं, ये तो दिल्ली है, यहाँ पर कोई भी आ सकता है, इलाज करवा सकता है। ये आपको एक बार बताओ। हाँ जी, दिल्ली में हम रह रहे हैं, हमको गांव में हरी बीमारी है तो हम यहाँ रह रहे मकान में रह रहे हैं, तो हम अपने बाप माता को ला नहीं सकते, इलाज नहीं करा सकते? वोट तो हम भी देते हैं। हम भी देते हैं वोट। हाँ, मम्मी का। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप लोग, मैं चाहूँगा आप भी आइए। आ गया बिल्कुल। आप कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से। केजरीवाल जी का एक बयान आया है कि बिहार से लोग 500 रुपए का टिकट कटाते हैं और यहाँ 5 लाख का इलाज करवा के चले जाते हैं, उचित है क्या? नहीं उचित है। क्यों उचित नहीं है, थोड़ा आप बताएं। इसमें देखिए, काफ़ी चीज़ें सही भी हैं, गलत भी हैं। गलत भी है बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं लोगों में एक आक्रोश भी है और ये काफ़ी अच्छा बता रहे थे। आप थोड़ा आगे आएंगे, मैं चाहूँगा, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है, तो अब बात और आगे बढ़ाते हुए आप में से जो जिन लोगों ने नहीं बोला है उनसे भी बात करेंगे हम। आपका क्या नाम है? हमारा नाम संजीव कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बदायूं यूपी से रहने वाले हैं। बदायूं के रहने वाले हैं। अच्छा, एक बयान है दिल्ली के मुख्यमंत्री का, आप दिल्ली में ही रहते हैं, कितने साल से रह रहे हैं? हम दिल्ली में रहते हैं करीबन 15-16 साल से। 15-16 साल से आप रह रहे हैं।
एक सवाल आपसे ये है कि जिस तरह केजरीवाल जी ने कहा कि बाहरी लोग आते हैं यहाँ इलाज करवाते हैं और दिल्ली में जगह की कमी है, अस्पतालों में जगह की कमी है, लेकिन हमने व्यवस्था अच्छी कर रखी है कि इस तरह लोग आते हैं, ये केजरीवाल जी का बिल्कुल गलत बयान है। देखिए, जब दिल्ली भारत की राजधानी है, यहाँ का हर देश का आदमी दिल्ली में आता है और अपना इलाज कराता है, ठीक है, और अगर हॉस्पिटल कम है तो केजरीवाल इतना तो कर सकते हैं कि दूसरी जगह एक हॉस्पिटल और भी बनवा सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जिससे कि बाहर का आदमी उसमें इलाज करवा सके। बिल्कुल सरासर गलत है केजरीवाल। बिल्कुल, दिल्ली देश की राजधानी और यहाँ तमाम समुदाय के लोग रहते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो जो बिल्कुल बिल्कुल आपसे बात करते हैं सर, आपका नाम? मनोज सिंह। मनोज जी कहाँ के रहने वाले? बिहार से हैं। अच्छा, आप देखिए, हम आप लोगों के बीच में आए हैं और एक राय जानना चाहते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं अभी वर्तमान, और एक उनका बयान आ गया है जिसको लेकर विपक्ष के लोग उनको ट्रॉल कर रहे हैं। बयान ये है कि बिहार के लोग 500 रुपए का टिकट कटाते हैं और दिल्ली में आके हमारे अस्पतालों में 5 लाख रुपए का इलाज करवाते हैं, और साथ ही उन्होंने कहा कि लेकिन ये सोचना चाहिए कि यहाँ भी जगह की कमी है। क्या कहेंगे? जगह की कमी है, ये केजरीवाल साहब का तो बात ही करना बेकार है। वो तो उससे अच्छा हमारे बिहार में भैंस चराने वाला मूर्ख बिना पढ़ा लिखा आदमी देश चला लेगा, उसके जैसा मुख्यमंत्री हम लोगों को तो नहीं चाहिए। बिल्कुल, देखिए आप, बिहार के लोगों की राय है और हम पहुँचे हैं, जो बिहार के सामुदायिक लोग यहाँ पर रहते हैं, बिहार से आए हुए लोग रहते हैं, और कोई ऐसा नहीं है कि आज आकर बस गए, पीछे 50 सालों से भी लोग रहते हैं, 15-20 सालों से भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कुछ और लोग भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर कहाँ से आ रहे हैं आप? ड्यूटी से? जी जी। क्या शुभ नाम है आपका? विश्वदीप। सुधीर जी कहाँ से रहने वाले हैं आप? मैं फरुखाबाद से। अच्छा, आपसे भी एक राय होगी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी का एक बयान आपने देखा होगा, सुना होगा टीवी पे, और बयान ये था कि यहाँ पर लोग जो है बिहार से 500 रुपए का टिकट कटाते हैं, ट्रेन में बैठते हैं और यहाँ आकर 5 लाख का इलाज करवाते हैं, दिल्ली में जगह की कमी है, क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं, जो उन्होंने कहा वो उनका अपना वक्तव्य था, वैसे उनको ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी कि बिहार से आता है, यूपी से आते हैं, हर स्टेट से आदमी आता है और जो आदमी परेशान होता वही दिल्ली आता है। बहरहाल जो बोला उन्होंने गलत बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बिल्कुल, आप युवा हैं, आइए आप इधर आइए, आप यहाँ कितने साल से रह रहे हैं? हमें यहाँ 1984 से। कहाँ के रहने वाले? बिहार सिवान डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है पता है आपको? हाँ, केजरीवाल जी। केजरीवाल जी, केजरीवाल जी काफी छाए हुए रहते हैं, अभी भी छा गए हैं, उनका एक बयान आ गया कि जो बिहार के लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने रिश्तेदार, उनके रिश्तेदार दिल्ली आते हैं, 500 रुपए का टिकट कटाकर ट्रेन में चढ़ते हैं और यहाँ आकर हमारे बनाए अस्पतालों में, जो हमारे अस्पताल हैं जिसको आप कह लीजिए अभी दिल्ली सरकार चला रही है, वहाँ इलाज कराते हैं 5 लाख रुपए तक का। दिल्ली में कैपेसिटी कम है, कैपेसिटी मतलब जगह की कमी है, इसके लिए फिर भी हम लोग साथ देते हैं, क्या कहेंगे आप? उचित है उनका ये साथ? क्या जो है कि परेशानी तो मरीजों को है ही हॉस्पिटलों में, कभी डॉक्टर नहीं मिलते हैं, कभी कुछ नहीं मिलता है, ऐसी पर प्रॉब्लम है। लेकिन ये बयान उचित है कि यहाँ जगह की कमी है, मतलब कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि बिहारी लोग यहाँ ना आए इलाज कराने? क्यों नहीं, कहाँ जाएंगे, दिल्ली छोड़कर कहाँ जाएंगे और कहाँ करा सकते? छोड़कर कहाँ जाएंगे? आपने बोल लिया है? नहीं, इन्होंने बोल लिया है और कुछ और लोग भी हैं, इनसे बात करेंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली का प्रॉपर रहने वाला हूँ। दिल्ली के रहने वाले हैं? अच्छा, अभी सरजीत जी बोल रहे थे कि दिल्ली का प्रॉपर रहने वाला है कोई नहीं। कहाँ से हो? नहीं नहीं, पहले तो हम मतलब पाकिस्तान में रहते थे, जब बंटवारा होता तो दिल्ली में आकर के बसे हैं। अच्छा, दिल्ली में आकर के बसे हैं। एक सवाल आपसे है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जानते हैं आप, उनका एक बयान आया और काफ़ी देर से हम चर्चा कर रहे थे, तो क्या प्रतिक्रिया है आपको? मेरी ये प्रतिक्रिया है जी, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और यहाँ हर चीज़ की फैसिलिटी है, क्यों बाहरी व्यक्ति अगर दिल्ली में इलाज नहीं करा सकता? और मेरा सीधा सीधा प्रश्न केजरीवाल जी से है, जब उनको बीमारी हुई वो बाहर क्यों गए, बाहर इलाज करवाने के लिए गए? जाकर इलाज करवाया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन दिल्ली जो है वो देश की राजधानी भी है।
और यहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक मैं चाहूँगा मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं। बिल्कुल लवकुश चौक पर अभी हम खड़े हैं और ये पूरा ट्रैफिक का जायजा हम आपको दिखा दें किस तरह की ट्रैफिक व्यवस्था है यहाँ पर, और साथ ही साथ और लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। आप बताएं आपका क्या शुभ नाम हुआ? क्या शुभ नाम है? रवि नाम है मेरा। कहाँ से हैं आप? प्रॉपर वैसे तो हम गाँव मुरैना भिंड मुरैना के हैं और यहाँ रह रहे हैं। कितने साल से रहते हैं? 20 साल। अच्छा, केजरीवाल जी ने एक बयान दिया है कि बाहरी लोग जो मतलब दिल्ली से बाहर के स्टेट के रहने वाले हैं वो आकर यहाँ इलाज करवाते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं और आ जाते हैं, इलाज करवा के चले जाते हैं, यहाँ कैपेसिटी की कमी है, क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा बयान तो हमने नहीं सुना अभी तक। अभी नहीं सुना, आज मैंने न्यूज़ में ज़रूर देखा था केजरीवाल ये बोल रहा था। हम तो सबके लिए हैं, किसी के लिए खड़े हुए हैं। वो तो बाद में सफाई दी। हाँ हाँ, कुछ भी दिया हो लेकिन उसने बोला था। बिल्कुल बोला था। आप बताएं। अंकल जी बताएंगे हमारे, अंकल जी कुछ कहो। बिल्कुल बिल्कुल, आप काफी देर से खड़े हैं और आपने तमाम मुद्दे को समझ लिया है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आगरा का रहने वाला हूँ। आगरा के रहने वाले हैं। क्या दिल्ली बाहरी लोगों के लिए नहीं है? जिस तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि 500 रुपए का टिकट कटाकर लोग यहाँ आते हैं और इलाज करा के 5 लाख का जाते हैं, दिल्ली में कैपेसिटी की कमी है, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल झूठा भाई। दिल्ली में सबसे बड़े चोर हैं, एक तो मंत्री से लेके ना और पुलिस वाले से लग, सब चोर हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार हम लोगों से जान रहे हैं और इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक। क्या? अभिषेक। अभिषेक नाम है, चलिए अभिषेक, अभिषेक से ही आपकी बात हो रही है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं का रहने वाला हूँ। रहने वाले हैं। अच्छा, केजरीवाल जी को जानते हैं आप? हाँ जानते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। उनका एक बयान है कि बिहार से लोग टिकट कटाते हैं, ट्रेन में चढ़ते हैं, यहाँ हमारे अस्पतालों में आके 5 लाख रुपए का जो है वो इलाज कराते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। दिल्ली में कैपेसिटी की कमी है, आपको लगता है? नहीं, तो कैपेसिटी की कमी नहीं है। केजरीवाल जी को ऐसा बयान देना चाहिए था? नहीं देना चाहिए था। नहीं देना चाहिए, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल, तो लगातार देख रहे हैं आप, हम यहाँ बात कर रहे हैं और भी कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे। एक बयान है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का। कितने साल से रह रहे हैं सबसे पहले तो ये? काफी दिन हो गया। काफी दिन मतलब? 1 साल 2 साल? 8-7 साल, 8 साल हो गए। 8 साल हो गए यहाँ पे। बयान मैं आपको बताता हूँ, आप बताइएगा उचित है या अनुचित है। बयान ये है कि बाहरी लोग 500 रुपए का टिकट कटाते हैं और यहाँ पर आकर 5 लाख रुपए का जो है वो इलाज कराते हैं, दिल्ली में कैपेसिटी की कमी है, क्या कहेंगे आप? क्या तो आई है, हर चीज की तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो हम वोट देते हैं उस वक्त नहीं दिखता केजरीवाल जी को? अरे तो करना ही पड़ेगा भाई, किसी तरह से समाधान तो होना चाहिए। समाधान होना चाहिए। कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी जानेंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं से रह रहे। यहीं के हैं। एक और बिल्कुल एक सवाल आपसे हम करेंगे कि काफी समय से आप रह रहे होंगे और आएगी आपका जो क्षेत्र है उसमें बिहार के लोग काफी ज्यादा रहते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग काफी ज्यादा रहते हैं। एक बयान है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, उन्होंने कहा कि बाहरी लोग 500 रुपए का टिकट कटाते हैं, इलाज करवाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन दिल्ली में कैपेसिटी की कमी है, क्या कहेंगे आप? भाई वो जनसंख्या के जिसके पब्लिक है उसके हिसाब से तो हॉस्पिटल हो रहा चाहिए, उसके सुविधा देनी चाहिए उसमें। उसने केजरीवाल जी के कहने का मतलब ये था कि अगर दिल्ली दिल्ली के ही लोग होते तो ज्यादा। उससे क्या मतलब है, देश तो एक है भाई, देश तो एक है सभी का, दिल्ली का किसी की स्पेशल थोड़ा ही है कि वो तो सबके लिए आएगा। दिल्ली कोई ये थोड़ा है कि भाई दिल्ली जो यहाँ रह रहा उसी की है, पहले 100-150 साल पहले रह रहा है, कोई 40 साल आ गया, कोई 30 साल से रह रहा है, तो दिल्ली तो सबकी है, सबका अधिकार है रहने का, सबका अधिकार है। आप आइए बिल्कुल, और कुछ और लोगों से भी हम जान लेते हैं, इनसे एक बार बात करेंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम जो पुरानी दिल्ली शहर के रहने वाले हैं, माँ बाप हमारे यूपी के हैं। यूपी के हैं, चलिए बहुत लंबा समय रहा आप यहीं पे बड़े हुए? पैदा यहीं पे हुए हैं पुरानी दिल्ली में, अभी हमें यहाँ पे 15-1 साल हुए आए हुए और यहीं पे हम रह रहे हैं। अच्छा, केजरीवाल जी का जो ये बयान है जो मैंने कई बार बोला, आप क्या कहेंगे, उचित है अनुचित है? देखिए जी, केजरीवाल क्या कह रहा है ये तो हमको नहीं पता, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये तो एक दिल्ली एक राजधानी है, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है और यहाँ पे एक ही हॉस्पिटल है सफदरगंज या मेडिकल, ठीक है। इतनी हमारी वो नहीं है कि हम बड़े हॉस्पिटल में जाके इलाज करा सकें,
तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी आता है वो बाहर से ही आता है, दिल्ली का प्रॉपर कोई नहीं है, और जो भी है सब दिल्ली में आते हैं अपना इलाज कराते हैं। बिल्कुल, इलाज करवाने के लिए हर कोई आ सकता है क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। कुछ और लोग हैं, इनसे बात करेंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं अंकल? बिल्कुल, चलिए ठीक है, वो व्यस्त है, अभी बात करेंगे आपसे, थोड़ा सा रुकना है आपको, आपसे बात कर ले तो हमने। बिल्कुल, तो लोग जो है कुछ बिजी भी है लेकिन अंकल फ्री है, इनसे बात करेंगे। आपका शुभ नाम? विजय शाह। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से। बिहार से, चलिए बिहार के लोगों को ढूंढ रहे हैं हम। एक बयान आया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, वो शायद आपने देखा होगा कि दिल्ली में बिहार के लोग 500 रुपए का टिकट कटाते हैं, आ जाते हैं और यहाँ 500,000 का इलाज करा के जाते हैं। हमने अस्पताल की व्यवस्था अच्छी कर रखी है लेकिन लेकिन दिल्ली में कैपेसिटी की कमी है। तो क्या बिहारियों के लिए कैपेसिटी की कमी है, या इस तरह के बयान से क्या संदेश जाता है? कितने साल से हैं? संदेश क्या, सबसे गवर्नमेंट की कमी है। कमी है? हाँ बिल्कुल कमी है। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कैपेसिटी कम है, व्यवस्था केजरीवाल के ही आदमी काम नहीं करते हैं, काम नहीं। यहाँ के विधायक नारायण दत्त शर्मा, क्या क्या उन्होंने कुछ किया आज दिन तक? कुछ नहीं, बस हवा हवा ही है। अब सवाल ये है कि आप यहाँ पे कितने साल से रह रहे हैं? आज 27-28 साल हो गए मुझे। ठीक है, तो आपके बच्चे भी यहीं बड़े हुए होंगे, स्कूल भी यहीं, वोट भी आप यहीं देते होंगे, तो हम तो नागरिक हैं यहाँ के। हमारे रिलेटिव, अगर हमारी माँ वहाँ बीमार है और हो सकता है दिल्ली में दिखाना हो, तो एम्स यहाँ पर है। दूसरी बात है, ये राजधानी है, बड़े लोगों के लिए है। बड़ी चीज है कि राजधानी है, यहाँ आकर हम इलाज करवा सकते हैं। करवा, वही तो हम कह रहे हैं, करवा सकते हैं, लेकिन ये बड़े लोगों के लिए है, बिचौलिया के लिए कुछ नहीं है। आप क्या कहेंगे? आप छोटे नहीं, पहले मैं दिल्ली से ही हूँ, ओल्ड दिल्ली से, चांदनी चौक से ही, उन्हीं के क्षेत्र से। लेकिन आप पहले मुझे ये बताइए कि आपका क्वेश्चन क्या था, फिर मैं आपको इसका। क्वेश्चन ये है कि अरविंद केजरीवाल जी का आजकल एक वीडियो ट्रॉल हो गया है जिस पर विपक्ष निशाना साध रही है। उसमें उन्होंने कहा था, एक मंच से वो कह रहे थे कि जो बिहार के लोग हैं वो 500 रुपए का टिकट कटाकर ट्रेन में चढ़ते हैं और यहाँ आकर हमारे अस्पताल की कंडीशन इतनी अच्छी है, उसमें इलाज कराते हैं, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ कैपेसिटी की कमी है। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं उनसे, मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वो ये बताएं कि उनके कौन से हॉस्पिटल की कंडीशन बहुत अच्छी है। उनके जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, आप चाहे कोई भी हो, एक्स वाई जेड कोई भी, देखिए अगर बेटर आदमी कोई भी जाएगा जो इन चीज़ों में सक्षम होगा, वो छोटे हॉस्पिटल में कोई भी नहीं जाएगा। एक मिनिमम हॉस्पिटल की, जितने भी उनके नॉमिनल हॉस्पिटल हैं उसके अंदर एक पेशेंट के लिए स्ट्रेचर भी नहीं है कि उनको एक एक स्ट्रेचर के ऊपर तीन तीन चार चार लोग बैठे आराम से उस पर अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। तो सबसे पहले वो उस पर अपना चेक करें जा करके, जितने भी हॉस्पिटल उनके रेंज के अंदर आते हैं, कि क्या एक नॉमिनल एक पेशेंट के लिए स्ट्रेचर की व्यवस्था है। उसके बाद फिर वो लोग बात करें कि साहब अब ठीक है, उन्होंने काफ़ी सारे स्कूल वगैरह के लिए डेवलपमेंट के लिए अच्छे काम करें, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि हॉस्पिटल के लिए उन्होंने कोई बहुत अच्छा काम किया है। हॉस्पिटल के अंदर आज भी चोर बाजारी है, आज भी दो नंबर का माल खूब बिक रहा है हॉस्पिटल के अंदर, कहीं कुछ नहीं। ठीक है, वो अगर चाहते हैं, अगर उनको लग रहा है कि हाँ सर बहुत अच्छा मैंने काम करा है, तो बहुत अच्छी बात है। सवाल एक और, सवाल से आप हट गए, क्या केजरीवाल जी ये संकेत देना चाह रहे थे कि आप जो बिहार के लोग यहाँ 20-25-50 साल से रह रहे हैं, वो अपने किसी रिलेटिव का इलाज कराने के लिए दिल्ली ला रहे हैं, उनके लिए क्या सिर्फ बिहार से आने वाले व्यक्ति के लिए ही ट्रीटमेंट की बातचीत है क्या? बस खाली जो यहाँ का लोकल नागरिक है कि क्या उनके लोकल नागरिक की कोई अहमियत नहीं है क्या? या उनको सिर्फ मेन मोटो सिर्फ बिहार के ऊपर ही है? आप, मैं केजरीवाल जी से पूछना चाह रहा हूँ कि वो बिहार को एक्सा मतलब क्या करना चाहते हैं, या कि इसको सामने वाले को डाउनफॉल क्या करना चाहते हैं? एक लोकल व्यक्ति की कोई जिम्मेदारी या कोई कुछ नहीं है क्या उसके लिए? मैं उनसे एक छोटी सी प्रार्थना है, बिहार राजस्थान गुजरात सबको छोड़ दीजिए, आज अगर उन्होंने कोई भी बीड़ा उठाया इस चीज़ के लिए, तो एक मेन सिविलाइजेशन, जो भी एक सिविल व्यक्ति है, जो भी एक लोकल आदमी है, सबको इस चीज़ का बेनिफिट मिलना चाहिए, और वो इस समय नहीं मिल पा रहा हॉस्पिटल के हिसाब से। सबके लिए कह रहे हैं आप इस सवाल का गलत मतलब निकाल रहे हैं। सवाल ये था कि वो सबके लिए कह रहे हैं कि यहाँ पे सब आते हैं, इलाज कराते हैं, 5-5 लाख रुपए का फ्री इलाज हम कर रहे हैं। नहीं हो पा रहा, मैं भी उसी चीज के लिए कह रहा हूँ, ये गलत बात है, नहीं हो पा रहा सबके लिए, नहीं हो पा रहा। मैं उसके लिए फिर कह रहा हूँ बार बार कि वो कह रहे हैं कि सबके लिए हो रहा है, नहीं हो रहा, किसी के लिए नहीं हो रहा, किसी के लिए नहीं हो रहा। आप लोग कभी गए इनके हॉस्पिटल? कुछ नहीं, कुछ सुनवाई नहीं होता, कुछ कोई इलाज नहीं होता वहाँ पे। यहाँ जाओ जी, वहाँ जाओ जी, वहाँ जाओ जी, इसका ये धंधा है क्या, हॉस्पिटल में देखेगा? तो लगातार हम आम लोगों की राय आपको दिखा रहे थे कि किस तरह का आक्रोश है, खासकर बिहार के लोगों में,
जो बाहरी लोग दिल्ली में रह रहे हैं, इनका कहना है कि हम भी प्रॉपर इनके वोटर्स हैं, वोट मांगते वक्त हम इनके अपने हो जाते हैं, और बाद में जिस तरह केजरीवाल जी ने यह बयान दे दिया वो दर्शाता है कि वापस शीला दीक्षित ने जिस तरह एक बयान देकर गलती की थी उसी गलती को केजरीवाल जी भी दोहरा रहे हैं। सवाल है उन्हें सतर्क होने की, क्योंकि विपक्ष के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और हो सकता है आने वाले समय में दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी हो और इसका पूरा पूरा फायदा विधानसभा चुनाव के दौरान विपक्ष उठा ले। कैमरा पर्सन मुस्तकीम के साथ मैं अभिषेक कुमार, मोबाइल न्यूज़ 24 दिल्ली।